नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की मूवी शैतान के बारे में, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अपने शुरुआती वीकेंड में बजट को क्रॉस करके हिट का टैग क्रॉप कर लेगी। और ये जो बातें हैं दोस्तों, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पूरे प्रूफ और सबूत के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी की जिस तरीके से हाइप बनी हुई है और जिस तरीके से इसका बुक माई शो इंटरेस्ट निकल करके सामने आ रहा है और जिस तरीके से इसके पूरे इंडिया में इसको शो मिलने वाले हैं दबा करके, उसको देख करके तो यही लग रहा है कि ये मूवी अपने शुरुआती 3 दिन यानी फ्राइडे सैटरडे संडे में ही अपने बजट को क्रॉस करके हिट का टैग प्राप्त कर लेगी और इस साल की बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी मूवी बनने जा रही है अब तक की। क्योंकि बात करें तो आप लोगों को मालूम है कि सन 2024 में अभी तक बॉलीवुड की तरफ से कोई ऐसी मूवी नहीं रिलीज हुई है जिसने बॉक्स ऑफिस में तबाही और तांडव मचाया हो। ऐसे में शैतान की बात करें दोस्तों, तो शैतान की स्टोरी काफ़ी हटके है और इस टाइप की मूवी देखा जाए बॉलीवुड में काफ़ी लंबे अरसे बाद आ रही है और ऐसे में पब्लिक को कुछ नया कंटेंट भी मिलने वाला है। हालांकि इसके ट्रेलर ने और जो बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स थे उन्होंने जिस तरीके से रिव्यू निकाल करके दिए हैं, उनको तो देख के यही लग रहा है कि ये जो मूवी है वाकई में बहुत बड़ी तबाही मचाने वाली है। हालांकि दोस्तों, अगर हम इस मूवी के शो के बारे में बात करें तो ये मान के चलिए इस मूवी को दिल्ली में आराम से 1200 शो मिलने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शैतान मूवी के आगे पीछे कोई भी बड़ी मूवी नहीं रिलीज़ हो रही है और इस मूवी के साथ देखा जाए किसी भी बड़ी मूवी का क्लैश भी नहीं हो रहा है। और आप लोगों को तो मालूम है कि बुक माई शो में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 63,000 के आसपास जा रहा है। फिलहाल जो मैंने देखा है उसका इंटरेस्ट रेट इस समय 62.2 के है, लेकिन जिस हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट भाग रहा है जब तक के आपके पास ये वीडियो पहुंचे शायद 63,000 भी क्रॉस कर जाए। और मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में कही रखा था कि जब तक ये मूवी रिलीज होगी तो 1,00,000 का भी इंटरेस्ट रेट हासिल कर सकती है। वहीं दोस्तों बात करें तो इसको अहमदाबाद में भी देखा जाए 700 मिलने की उम्मीद है और वहीं अगर हम बात करें तो मुंबई में भी इसको 1200 मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये मान के चलिए दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया में इसको कम से कम 3,000 स्क्रीन तो मिलने वाली है और हर स्क्रीन में ये मान के चलिए दोस्तों इसके 400 चलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस मूवी का देखा जाए जो रन टाइम है वो बहुत ही कम रन टाइम है, क्योंकि बात करें अभी हाल ही में जो मूवी है सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है वो भी यूएस सर्टिफिकेट द्वारा, और इसमें जो इसका रन टाइम निकल करके सामने आया है वो आया है 2 घंटे 12 मिनट का, यानी कि इसका जो फर्स्ट हाफ होने वाला है वो होने वाला है 1 घंटा 2 मिनट का और जो सेकंड हाफ होगा वो होगा 1 घंटा 10 मिनट का। ऐसे में इस मूवी के रन टाइम कम होने की वजह से इसके शो हर स्क्रीन पे 1-2 शो तो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और उस हिसाब से दोस्तों ये मूवी ऑल ओवर इंडिया में इसके कम से कम 12,000 से 13,000 शो भी चल सकते हैं। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवी अपने पहले दिन किस हिसाब से कलेक्शन करेगी। हालांकि दोस्तों जब इसकी एडवांस बुकिंग पूर्ण रूप से खुल जाएगी तब हम लोगों को ये भी मालूम चल जाएगा ये मूवी किस हिसाब से कलेक्शन करेगी। हालांकि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका तो ये मानना है कि ये मूवी अपने पहले दिन 15 करोड़ का तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। और दोस्तों अगर इस मूवी के पहले दिन गजब के रिव्यू निकल करके सामने आ गए तो जाहिर सी बात है दूसरे दिन ये मूवी 20 करोड़ का भी आंकड़ा क्रॉस कर सकती है और तीसरे दिन ये मूवी 25 करोड़ का भी आंकड़ा क्रॉस कर सकती है। और ऐसे में देखा जाए इस मूवी का जो कलेक्शन होगा 3 दिन के अंदर वो 60 करोड़ के ऊपर चला जाएगा और इस मूवी का बजट देखा जाए 60 से 65 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और ऐसे में ये जो मूवी है 1 हफ्ते के अंदर ही 100 करोड़ का आंकड़ा बड़े आराम से क्रॉस करने वाली है और अजय देवगन सन 2024 में बॉक्स ऑफिस में तबाही लाने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं होने वाली है। और वैसे भी ये जो मूवी है महाशिवरात्रि वाले दिन रिलीज हो रही है और आप सबको तो मालूम है कि
जो अजय देवगन है भगवान शिव के कितने बड़े भक्त हैं। और देखा जाए दोस्तों इस बार उनको भगवान शिव का काफ़ी तगड़ा आशीर्वाद भी मिलता भैया दिख रहा है। वैसे आपकी क्या राय है शैतान मूवी को लेकर के कमेंट में हमें बताना मत भूलिएगा। और इस मूवी की एडवांस बुकिंग की पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि वीडियो जितना ही ज़्यादा लाइक होगा उतना नहीं ज्यादा मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं शैतान मूवी के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और ये मूवी पहले दिन ही तबाही मचानी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ गई हो अब तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।